लेकिन अधिकारी जो अधिकारी लिख के दिया है नगर निगम आयोग की 7 दिन में पूरा करेंगे, मैं अपनी मांग के लिए थोड़ी बैठा हूँ, जनता के लिए मांग की बैठा हूँ। जनता की ये मांग है, सड़क चौड़ीकरण मेरी थोड़ी है पर्सनल। बेचारा फिर भी बोलता है ऋषि बहुत अच्छा काम किया चौड़ा करके, क्योंकि वहाँ से आज हम स्वर्ग रथ को साफ पाते हैं, दमकल आ सकती है, करके तोड़ के बैठे आज भी घर नहीं बना पाया। लेकिन अधिकारी सोए हुए 30 साल हो गया, पट्टा नहीं मिला है वार्ड में। आज दूसरी पीढ़ी में मेरे उम्र के लोग लड़के लोग संघर्ष कर रहे हैं पट्टा के लिए, और वहाँ आप जा लो आज भी देख लो बंद पड़ा है पूरा, सीटी स्कैन एक्सरे मशीन पूरा बंद पड़ा है। एक बुजुर्ग महिला जिसका कोई नहीं है, उसका घर गिर गया, लेकिन आज तक कोई अधिकारी देखने नहीं गया उसका घर। अभी भी आपका महापौर का ही है नगर निगम में, पहले सदन निपटाओ, जनहित के मुद्दे पे चर्चा करो फिर बैठो। जनहित का बात रखा लेकिन अधिकारी वही अधिकारी खड़े कर दिए जो मेरे को 7 दिन के भीतर तक उस पे चर्चा करेंगे। करिए ना भाई, तो मैं चर्चा करना है। मैं फोन लगा लेता हूँ, आप लोग बैठे हैं, मैं तो अभी बात करा दे रहा हूँ आपसे, आप बात करना चाहेंगे क्या? SDM साहब अभी टीम भेज देंगे, अभी कहाँ से हो पाएगा, अभी सारे लोग यहाँ बैठे हैं। सामान्य सभा होने जाने के बाद कल आपके साथ चर्चा करके, चर्चा तो ये क्या चर्चा होगी, क्या चर्चा करना चाहते हैं अभी बैठ के कर लीजिए यही चर्चा, मैं कुर्सी मंगवा देता हूँ। आज मैं वार्ड नंबर 42 राजीव नगर एवं सर्किट हाउस वार्ड नंबर 43 के मूलभूत सुविधाओं को लेकर के यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, जिसमें मुझे लिखित आश्वासन अधिकारियों द्वारा पिछले बार मैंने अनशन किया था तो मुझे लिखित तौर से मिला था कि इन कार्यों को वर्षा ऋतु उपरांत 7 दिवस के भीतर पूर्ण कर दिया जाएगा, लेकिन किन दुर्भावनाओं पूर्ण जनता की इन मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, इस बात को लेकर के मैं स्वयं से चिंतित हूँ, और मुझे इन बातों से ठेस पहुंची। आज अधिकारियों ने जो जवाब गोलमोल आज भी देने का प्रयास किया, जिसको लेकर के मैं बाहर आ गया, और बाहर आकर के मैं यहां पर बैठा हूं। हालांकि सभापति महोदय जी ने मेरा आवेदन स्वीकार किया है, और उस आवेदन पर क्या सुनवाई होती है वह देखने वाली बात होगी। कब तक बैठेंगे? जब तक, ये जनता की लड़ाई है, जनता की लड़ाई एक पीढ़ी मेरी मांगों को लेकर के लड़ाई लड़ चुकी है, हम तो दूसरी पीढ़ी है। जब तक जनता की बातों को, मूलभूत सुविधाओं को उन तक प्रदान मैं नहीं करा पाऊँगा, तब तक मैं बैठा रहूँगा, चाहे मुझे किसी भी स्तर की लड़ाई लड़नी पड़े, शासन प्रशासन को जनता की मूलभूत सुविधा को निश्चित ही दूर करना पड़ेगा। ऋषि शास्त्री, राजीव नगर पार्षद, कांग्रेस पार्षद दल प्रवक्ता।